ओके जी। अच्छा, कंपनीज क्यों चैलेंज फेस, ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कंपनी क्यों चैलेंज फेस करती है, अगर हमने कहा कंपनी कह रही मैं तो लोकली ऑपरेट कर रही, मैं तो इंटरनेशनल लेवल पे काम ही नहीं कर रही, तो फिर मुझे ग्लोबलाइजेशन का इशू क्यों फेस करना पड़ेगा। हमने कहा ऑलरेडी अब जो कंपनी लोकल लेवल पे ऑपरेट कर रही है, पहली बात तो ये उसे जो उसके कंपेटिटर है उनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये हमने कहा ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब हर जैसे हमने कहा कि किसी भी कंपनी कंट्रीज में जाकर आप बिजनेस कर सकते हो, आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, तो हमने कहा जो उसकी उस कंट्री में जो इंटरनेशनल कंपनीज काम कर रही है जो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है उनके साथ उसे कम्पीट करना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान में बात करें हमने कहा आप अपनी लोकल प्रोडक्ट अगर कोई सेल करना चाहो ऑलरेडी हमने कहा, और चाइना से भी प्रोडक्ट हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, और आपने कहा कि अगर चाइना की प्रोडक्ट भी सेल हो रही है और आप भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो अब आपको दो लेवल पर कम्पीट करना है, एक तो अपने लोकल कंपेटिटर्स के साथ करना है और दूसरा हमने कहा चाइना की प्रोडक्ट के साथ भी कम्पीट करना है। अब आपको अपनी कॉस्ट भी मैनेज करनी है और अपने एम्प्लॉयज को भी मैनेज करना है। तो कंपनी जब आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो किसी दूसरी कंट्री में जाके ऑपरेट कर रहे होते हो, तो एक तो ये अपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, और दूसरा ये कि हमने कहा कि आप इम्प्लॉयज कहाँ से आए करोगे, जिस कंपनी में जाके आप ऑपरेट कर रहे हो, जिस कंट्री में जाकर अपनी कंपनी ओपन कर रहे हो, वहाँ के लोकल लोगों को ही हायर करना है ना, तो जो लोकल लोगों को आप हायर करोगे उनका कल्चर क्या है, उनको सीखना या उनको देखना भी कंपनीज के लिए जरूरी होता है। तो ग्लोबलाइजेशन जहाँ आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है वहाँ सम टाइम चैलेंज भी क्रिएट कर रहा होता है एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज के कल्चर के दौरान, और जो हमने कहा उसका बोझ होता है उसके कल्चर और वैल्यूज के दरमियान, सम टाइम ये डिफरेंट भी दे रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एथिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी किसी भी सोसाइटी में ऑपरेट कर रही हो वहाँ की जो वैल्यूज होती हैं वहाँ की एथिकल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज उनको कंसिडर करना भी जरूरी होता है, चाहे वो इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट बेसिकली क्या है, कुछ वैल्यूज होती है जो रिटर्न होती है बाय कंसिडर होती हैं, आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं, और जो हमने कहा सोशल वैल्यू या एथिकल वैल्यू बेसिकली क्लियर नहीं होती। हो सकता है कि आपने देख पॉइंट पॉइंट बहुत एथिकल है कि ऐसा मैं नहीं करना था, लेकिन दूसरा पर्सन उसे एथिकल कंसिडर ही ना करे, वो कहने कि ये तो नॉर्मल पॉइंट है ऐसा हो ही जाता है। तो कंपनी जो एथिकल इशूज होते हैं ना बेसिकली हमने कहा ये सब्जेक्टिव टर्म होती है, आप इसे क्लियरली नहीं कह सकते कि ये पॉइंट या इशू एथिकली उसका ये आंसर हो सकता है, तो इनको इनके दरमियान कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती। तो जब भी कंपनीज ऑपरेट करें उन्हें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसिडर करना चाहिए कि हमारी वजह से हमारी, जैसे हमने कहा कि नॉर्मली क्या इशू क्रिएट होता है कि कंपनीज जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है जो वो सोसाइटी को बड़ा या एटमोसफेयर को बड़ा पोल्यूट करता है, तो हमें इसकी बेसिस पे इन कंपनीज पे समटाइम केसेस हो जाते हैं कि इनकी वजह से इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट क्लीन नहीं रह गया। तो हमने कहा ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी वजह से उसके काम की वजह से सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो ये कंसिडर करना पड़ता है। थर्ड जो इशू होता है ये बेसिकली रेगुलेटरी इशू, ये एक्सटर्नल फैक्टर ही होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस भी होती है लेकिन सम टाइम हम इसे सेपरेटली भी ट्रीट कर रहे होते हैं। रेगुलेटरी इशू का क्या मतलब है कि लॉज, आप एम्प्लॉयज को मैनेज करने से रिलेटेड लॉज क्या कहते हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे लॉ बना है, चाहे स्टेट लेवल पे लॉ बना है, चाहे वो फेडरल लेवल पे लॉ बना है या इंटरनेशनल लॉ है, आपकी एम्प्लॉयज को मैनेज करने से रिलेटेड कोई भी लॉ है, किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड है, चाहे वो उनके सिलेक्शन से रिलेटेड है, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड है, उनकी पे से रिलेटेड है, उनकी कंपनसेशन से रिलेटेड है, हर लॉ को कंसिडर करना कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि सपोज अगर पाकिस्तान में लॉ बनाए जी जो वर्कर आप या एम्प्लॉई हायर करोगे उसकी कम से कम जो पे होनी चाहिए ना वो 20,000 होनी चाहिए। अब एक कंपनी हमने कहा उसने एम्प्लॉई हायर कर लिया, उसने कहा जी हम तो मिनिमम आपको 10,000 पे करेंगे, अब हमने कहा हमारा लॉ क्या कहता था जी 20,000 पे करना चाहिए, तो अब कंपनी कह रही है लॉ के अगेंस्ट वायलेट कर रही है, तो उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है, उसे सूट फाइल किया जा सकता है कंपनी के अगेंस्ट। तो जब भी कंपनीज किसी भी लॉ को निग्लेक्ट करती हैं या उसे प्रॉपरली फॉलो नहीं करती, तो हमने कहा कंपनीज को पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं, ये दोनों लेवल की पेनल्टी हो सकती है, फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकती है जी, कोर्ट कहे जी जिस पर्सन को डैमेज हुआ है आपकी वजह से आप उसे फाइनेंशियल चार्जेस पे करो, और ये बहुत सीरियस इशू होता है लॉज से रिलेटेड। बहुत सी कंपनीज है, कोको कोला हो गया, उन्होंने इन पे केस हुआ था, इन्होंने किसी शख्स को जॉब नहीं दी थी डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे, तो उन्होंने इसकी जॉब सॉरी निकाला था डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस पे, और उन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पेनल्टी पे करनी पड़ी थी उसके अगेंस्ट, उस केस के अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल कर दिया और उन्हें पेनल्टी पे करनी बेसिकली पड़ी थी। अच्छा, एक तो ये कि कंपनी पे ये पेनल्टी दो केसेस में हो सकती है ना, एक तो फाइनेंशियल हमने कहा कि उनको पैसों की शक्ल में पे करनी पड़ती है,
दूसरी क्या हो सकता है कि हमने कहा कि दूसरी ये आपकी कंपनी के इमेज को अफेक्ट कर रही होती है, लोगों का इस सोसाइटी का आपकी कंपनी के बारे में इमेज भी चेंज हो सकता है, ये कंपनी अच्छी नहीं है आपके, या आपके एम्प्लॉयज भी आपकी डिसमोटिवेट हो सकते हैं कि कंपनी अगर इस शख्स को निकाल भी गया तो हो सकता है कल को हमें भी निकाल दे, तो हमें इतना काम ये मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्या हम वैसे छोड़ जाएंगे कंपनी। तो ये दोनों वेज में इफेक्ट करेगी, ये आपको फाइनेंशियली भी इफेक्ट करेगी और आपके इमेज और एम्प्लॉय के मोरल को भी बेसिकली इफेक्ट कर रही होगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ने डिस्कस कर लिए हुए हैं, जो किसी भी मैनेजर को कंसिडर करने पड़ते हैं जब भी वो कोई भी एचआर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हो, और ये बेसिकली उसके लिए चैलेंज भी क्रिएट कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया, कोई इशू आज के लेक्चर से रिलेटेड? नहीं मिस, सब क्लियर है, कल जब सुनेंगे ना नैनता इशू क्रिएट होंगे उनको, सब कोई ब्लैक अभी सब हाल कल क्लियर किसी को हो। कुछ समझ नहीं आएगा। तुम बड़े लाइफ फाइल को समय दूसरा बड़ी बातें आ रही। चलें जी, कल इसका छोटा सा क्विज भी होगा जी। दो दो तरह के इश्यूज पढ़े हमने, इंटरनल और एक्सटर्नल, क्या क्या डिस्कस हुआ है। होप सो कल सबको पता होगा, कल रिवाइज भी करेंगे आप लोग। कल सिर्फ बुरहान से नहीं पूछा जाएगा, कल उनकी क्लास में और भी बहुत से बच्चे हैं, बुशरा हो गई, किंजा। मैम आज वाले लेक्चर का कुछ हो गया ना? हाँ, आज वाला लेक्चर का पूछूं भी हो सकता है, पिछले वाला भी पूछ लें, पिछले वाला रिवाइज नहीं किया होगा कुछ भी। ठीक है। चलें जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के लेक्चर में, सारा समझ आ गया। सारी आ गई है। कल मत कहिएगा मैम ये हमने पढ़ा नहीं था, ये हमें समझ नहीं आई, डिस्क्रिमिनेशन अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होती है भला। वो मैम इस पैसे आपको पता, कल आमिर बताएगा, आमिर कल नहीं कहेगा मैम आपको पता मुझे भूल जाता है, आमिर कल आपने पहले ही उसको याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। थैंक यस मैम, आज अमेरिका नट से यार आयन ब्लैक पेपर। आज सही आएगा। अच्छा ये यहाँ पे बी एस आई थी, एक सेमेस्टर के कितने मिस्टर भी है ऑलरेडी क्लास में है? कोई नहीं है, नो मैम, बीएस आईटी का तो नहीं है, आईटी का कोई नहीं है इसमें। उनकी क्लास थी ना आज। चले बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, होप सो के इसको प्रिपेयर भी कर लीजिएगा, और अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैम अल्लाह ग्रुप में हाफिज। सेंड कर दी है। ओके अल्लाह पूरी हाफिज। क्लास में मैं आया था और फिर मेरी नहीं आई। आपकी अटेंडेंस मुझे पता आप है, आपने क्लास आज के अंदर क्लास में अटेंडेंस ले था, लिया आपने सबसे होगा। पहले आज क्लास ज्वाइन की थी, मैं आपकी लगा दूंगी, डोंट वरी। अच्छा जिस जिस की अटेंडेंस रहा है, उसे लग रहा है कि वो उस क्लास में था, वो स्क्रीनशॉट में ना मुझे हाईलाइट करके अपना सेंड कर दीजिए, करेगा मैं फिर उसका ऐड कर दूंगी। ओके बच्चों।